एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये दिन है होली के एक दिन पहले का। तो इवनिंग में हम लोग गए थे शॉपिंग करने, होली की कुछ शॉपिंग करनी थी, साथ में मुझे पीनी थी बाहर की चाय। और इस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी जल्दी हो गई थी ऑफिस से, तो वी थॉट टू गो फॉर हैविंग टी एज वेल एज़ कुछ सामान लेना था। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग परचेस कर रहे थे खोया फॉर गुजिया, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था गुजिया बनाने का, बट लेटर ऑन कबीर का बहुत मन होता है फेस्टिवल्स पे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कबीर के लिए गुजिया बना दी जाए। एंड एज़ वेल एज़ कबीर को खाना था पिज़्ज़ा, तो हम लोग यहाँ ऑर्डर दे के वेट कर रहे थे पिज़्ज़ा का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए आज कितनी रौनक है, बिकॉज़ कल होली है, तो होली की वजह से ना काफ़ी रौनक थी मार्केट में। और फाइनली हम लोग आ गए थे घर, तो यहाँ देखिए कबीर का पिज़्ज़ा। कबीर को सिर्फ सिंपल चीज़ वाला पिज़्ज़ा पसंद है, या फिर सिर्फ टॉपिंग्स होनी चाहिए अनियन की, अदरवाइज़ तो वो वेजीज़ होती है तो सारी हटा देता है। और यहाँ पर कबीर इंजॉय कर रहा है अपना पिज़्ज़ा। और अब मैं स्टार्ट करूँगी गुजिया बनाना, बिकॉज़ नाइट का टाइम हो गया था अराउंड 7 o'clock का, देन आई एम स्टार्टिंग। तो डिनर हम लोग पहले ही बना चुके थे और अब मैं गुजिया बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ मैं खोए को भून रही हूँ, लाइक ये थोड़ा सा भूनती हूँ, बिकॉज़ इसका जो कच्चापन है वो निकल जाता है। और आफ्टर दैट मैंने सूजी भूनी थी एंड देन सारी चीज़ें मिक्स करती थी होम मेकिंग गुजिया। तो यहाँ मैं भून रही हूँ सूजी। तो मैं बनाती हूँ बेसिकली मावा और सूजी की मिक्स करके जो गुजिया बनती है, बिकॉज़ उसमें एक थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाती है और वो काफ़ी अच्छी लगती है। सिर्फ अकेली खोए की या मावे की अकेले गुजिया अच्छी नहीं लगती मुझे पर्सनली। तो एनीवेज़ आपको पता होगा कि जब फेस्टिवल्स में हम लोग कुछ बनाते हैं तो हमेशा फैमिली की हेल्प से ही बन पाता है, सारे मिलके काम करते हैं तो जल्दी भी हो जाता है और काम में थोड़ा सा मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे मैं मीनवाइल सूजी को भून रही हूँ और साथ में मेरे हस्बैंड को मैंने दिए हुए थे ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स वो चॉप कर रहे थे, कट कर रहे थे। तो बस फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने गुजिया फ्राई की थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलायची पाउडर डाला हुआ है खोए में, और साथ में हम लोगों ने डाला हुआ था बादाम और कोकोनट, बिकॉज़ इसके अलावा मेरे पास और कोई ड्राई फ्रूट थे नहीं फ़िलहाल, तो मैंने बस इन्हीं ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया। और यहाँ मैंने डाला है चीनी का, जो बूरा आता है पैकेट में वो वाला चीनी, लाइक आप चीनी को पीस के भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास बूरा ऑलरेडी अवेलेबल था तो आई थॉट कि यही यूज़ कर लेती हूँ। एंड नाउ माय हस्बैंड इज़ डूइंग लाइक मिक्स कर रहे हैं वो, तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है गुजिया बनाने का मेरे साथ, तो ही इज़ मिक्सिंग अकॉर्डिंगली। मैं बताती जा रही थी और वो मिक्स करते जा रहे थे, तो बहुत ही अच्छी गुजिया बनी है एनीवेज़। तो देखिए यहाँ पे ही इज़ फ्राइंग और गुजिया काफ़ी अच्छी बनी थी, मैं साथ में बनाती जा रही थी और वो फ्राई करते जा रहे थे। तो सारा मेरा जो काम था ना खड़े होके पेशेंसली फ्राई करने का, तो वो उन्होंने किया, तो जो हार्ड पार्ट होता है काम करने का वो उन्होंने किया। तो फाइनली देखिए ये सारी गुजिया बन के हो गई है रेडी। तो इसमें मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की है, जस्ट आपको दिखाया है कि मैंने किस तरीके से बनाया। तो यहाँ पे टाइम हो गया था होलिका दहन का, तो मैं और कबीर गए थे फॉर होलिका दहन। आज है होली का दिन, तो हैप्पी होली ऑल ऑफ़ यू। एंड यहाँ पे देखिए कबीर अपनी पिचकारी को लेके एंजॉय कर रहा है, और इसने बकेट में रखे हुए थे बलून्स एंड कलर्स। तो यहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स होली प्ले करके चले गए थे, और हम लोग भी काफ़ी टाइम से बाहर होली प्ले कर रहे थे और फिर हम लोग आ गए थे। Thank you.
आफ्टर प्लेइंग होली हम लोग लगा रहे थे बाइक से सोसाइटी का राउंड, जस्ट ऐसे ही। तो अच्छा लगता है किसी दिन फेस्टिवल हो और आप इंजॉय करो। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग निकल रहे हैं और काफ़ी एवरीवन एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और आज दिन है होली का और फाइनली मैं होली खेल के नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ फाइनली। और अभी लग रही है बहुत सारी भूख, तो मैं आज थोड़ा सा क्विक तरीके का लंच बना रही हूँ। आई एम मेकिंग दिस यप्पी। होली खेलने के बाद किसी की भी कंडीशन नहीं होती है लंच बनाने की या फिर कुछ भी काम करने की। जस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे थे, तो आई थॉट कि मैं ये बना देती हूँ क्विकली। और आज मैंने थोड़ा सा अपने लिए लाइक ग्रोसरी भी ऑर्डर की थी, हालांकि मैं ग्रोसरी आपके साथ पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ जो मैंने मंगाई थी, बट थोड़ी कुछ रह गई थी तो वो आज मैंने ऑर्डर की है। और अभी और सेकेंड थिंग, मेरे ना अभी काफ़ी सारे कपड़े रह रहे हैं जो कि विंटर्स के हैं और मुझे पैक करने हैं। लाइक मैंने अपने तो कर दिए थे, कबीर के और कबीर के पापा के रह रहे हैं, तो बस वही काम फैले पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एंड देखिए आज मेरी बेड की कंडीशन, बिकॉज अगेन ये सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि आफ्टर होली ना कुछ भी करने का मन नहीं होता है, और आजकल समर्स भी इतनी जल्दी आ गई हैं। और यहाँ देखिए कबीर क्या कर रहा है। कबीर इस पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, वेरी नाइस। आपने क्या क्या बनाया बताओ तो जरा। ये सारा कुछ नेम तो बताओ क्या क्या है। ये कैंडी है, ये कपकेक है, ये रैबिट आइसक्रीम है, ये डोनट है, ये वाटरमेलन कैंडी है, ये केक है, ये जूस है, और ये पॉट है। हाँ पॉट है, और ये भी पॉट है, और ये जूस है, ये पिज्जा है, ये पॉपकॉर्न का बाउल है, और ये कप है। आज कबीर को भी देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि समर आ गई है फाइनली। इस बार ना समर बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने थोड़ा सा ग्रोसरी और ऑर्डर किया है, तो अगेन देखिए ये 3 पैकेट आटे के ऑर्डर किए हैं मैंने। कबीर के बर्थडे वाले बलून्स अभी तक पड़े हुए हैं, आधे से ज़्यादा लाइक शायद मैंने फेंक दिए हैं, और कुछ पूरे घर में बिखरे पड़े हैं देखिए। एंड और मैंने क्या मंगाया है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और यहाँ देखिए ये मंगाया था राजमा, ये मंगाया कसूरी मेथी, एंड साथ में बनाए थे मैक्रोनी पास्ता। तो अब कबीर कबीर देखो मम्मा आपको ना ये पेंटिंग के ऊपर आउटलाइन बनाना सिखाएगी, तो आप सारे उसके ऊपर ना आउटलाइनिंग कर दोगे ना तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी आपकी पेंटिंग। देखो है ना लुकिंग नाइस ना, तो आप सबके ऊपर कर दोगे ना तो ये पेंटिंग और भी सुंदर हो जाएगी आपकी। हाँ आपसे बनेगा ना, इसको किनारे किनारे, सिर्फ किनारे किनारे। ओके जो हमें टफ लगेगा वो हम आपको बनवा देंगे। ओके इसको सिर्फ ना सिर्फ आपको बाउंड्री बाउंड्री पे करना है। ओके और बिल्कुल ऐसे और कहीं भी नहीं, ठीक है डन। आप ऐसे करो फिर दिखाओ मम्मा को, जो टफ लगे वो मम्मा को बता देना। तो फ्रेंड्स आज एज हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं होली प्ले करके, तो मैंने लंच में बनाया था इंस्टेंट नूडल्स, और ये यप्पी नूडल्स कबीर को बहुत पसंद है। वैसे तो मैं और मेरे हस्बैंड मैगी के फ़ैन हैं, मगर इसको कबीर को बहुत पसंद है तो इसलिए आज मैंने यही बनाया था। और इन नूडल्स को मैंने जस्ट प्याज और टमाटर के साथ फ्राई किया था, बिकॉज मेरे पास और सारी वेजीज ख़त्म हो चुकी थी, तो बस ऐसे ही बनाया था सिंपल सा, लेकिन अच्छा बन गया है। और यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े पैक कर दिए थे, मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुका था सारा काम, बच गए थे शाम के 5 o'clock। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है टी, एंड साथ में ये आलू भुजिया ली है थोड़ी सी। तो काम करते करते टाइम ऐसे निकल गया कि बिल्कुल भी पता नहीं चला, और 5 बज गए थे, कबीर चला गया है प्ले करने और मैं बस काम फिनिश कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाया है डिनर में कढ़ी, एंड साथ में बनाई थी आलू प्याज की पकौड़ियाँ। तो देखिए ये कढ़ी ऑलरेडी मैं सर्व कर चुकी थी कभी, देन सडनली मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को तो दिखाई नहीं। तो एनीवेज़ आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।